ऐसे ही ट्रक लगे रहते हैं तो आप लोग बाएं से निकल सकते हो। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, तेल फुल करा के आना। ये हम लोग इंडिया नेपाल के बॉर्डर के बीच में खड़े थे, हम लोग राइट से अंदर जा रहे हैं। हाँ, ये अंदर अब अपन लोग आ गए। ये एंट्री पॉइंट ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे गाइस ऐसा है कि 2089 चल रहा है और अपन इंडिया में 2022 चल रहा है। तो आई थिंक प्रॉपर हिंदू धर्म के हिसाब से चलते हैं नेपाल में। और अच्छा है, आपके मॉल से भी फोन नहीं आएगा और अब होटल स्टार्ट हो गए हैं और ये रोड भी बहुत प्यारे बन गए हैं। लास्ट टाइम मैं आया था तो होटल प्यारे नहीं बने थे, ना ही रोड बने थे, तो अब रोड भी बन गया और होटल भी बन गया। तो अब चलते हैं किसी पहले सोच रहे जितना भी अगर ट्रैवल कर सकते हैं, जितना भी कवर कर सकते हैं कर सकते हैं। 10 बजे तक अपनी गाड़ी एंड हो जाएगी रात के। गाइस आप लोग ही आइए तो होटल पौआ चुनिए। ये एजा मिलेला पौआ, देसी पौआ, ठर्री वाला, ठर्री वाला। क्या बोल रहे हैं सरकार? मैं कह रहा हूँ पीजिए पौआ, रहिए मऊआ। जय हो बाबा की। तो आप भी आइए, देसी ठर्रा लेके आइए, कोई चेकिंग वेकिंग नहीं बहुत ज्यादा है, स्प्राइट की बोतल मिला के आइए और मस्त देसी पौआ पीजिए देसी होटल में बैठ के। A little longer than a few minutes later. Guys, अभी हम लोग निकल गए होटल से। होटल था रॉयल कटोरी, होटल ठीक था, 1200 रुपए के आसपास 4% का लगा एक रूम का। अभी हम लोग आए हैं फुलवारी, फुलवारी पार्क एक टाइप का है, मतलब यहाँ से व्यू अच्छी आती है। ये रही व्यू, अभी यहाँ का व्यू अच्छा है। अभी बैक कैमरा से आपको दिखाता हूँ, ये रहा टोटल व्यू। और यहाँ पे चल रही है सत्यम और प्रशांत की फोटो सेशन, देख रहे हैं। हाँ, ये कर लो पहले। और ये व्यू है, तो यहाँ सत्यम अपना जैकेट बदल लिया। क्या किया जैकेट बदल के? आज का सफर है काठमांडू तक का। और ये रफ बुटवाल फुलवारी भव्य टावर। तो आज का सफर यहीं तक था, अभी काठमांडू में चलते हैं तो रास्ते में आपको दिखाते हैं कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं। तो बाकी पहाड़ों में आ गए हैं अपन लोग और यहाँ के ऐसे ही घर होते हैं। और यहाँ की सबसे खासियत पता है क्या है आपको? हर जगह, हर रेस्टोरेंट, हर नॉर्मल शॉप में बियर वियर मिल जाएगा। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट के लॉज नहीं है कि आप बियर रखने के लिए बियर बार का लाइसेंस चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कौन है ये लोग? तो गाइस अब अपना सफर चालू हो गया है, ये काठमांडू का स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से अपन लोग निकल रहे हैं और शायद यहाँ पे खुदा हुआ है क्योंकि शायद रोड चौड़े हों, आई थिंक सो, क्योंकि आगे धूल धक्कड़ तो दिख ही रही है। ये देखिए धूल धक्कड़ दिख रही है, आने वाले समय में शायद ये पूरा 4 लेन बन जाए थोड़ी दूर के लिए, तो अच्छा ही है। जो जो नेपाल में विजिट करता है उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसा है, अभी हम लोग रुके हैं, प्रशांत बाबा गए हैं। वाह क्या सीन है, बताइए। इनसे मना करते हैं कि हाँ कम मुता करे, इनका मुँह तो ऐसे नहीं खत्म होता है। पानी बचत करें, देखिए पानी भी छिड़क रहे हैं। बताइए तो अपना एक्सपीरियंस बताइए, कैसा लगा आपको मुत के? बहुत ज्यादा एकदम हल्का हल्का महसूस हो रहा है, परमानंद परमानंद की मुझे प्राप्ति हुई। और सामने पहाड़ है, चलो चुकी
देखिए देखिए कैसे लोग होते हैं कुछ लोग इतने बदजवान। तो अब चलते हैं, सामने आपको शायद नहीं दिख रहा हो बट ह्यूमन आइस आराम से दिख जाएगा। ह्यूमन आइस अखिया से पहाड़ देखिए। 12 seconds later. तो गाइस ऐसा है कि ये देखो रोड बन रहा है, तो अभी के टाइम पे जो अगर 2023 के मिड सेमेस्टर तक आता है तो उसको ऐसे ही रोड्स मिलेंगे। तो जिसको गाड़ी में वोमिटिंग वोमिटिंग टाइप का होता है वो गाड़ी से ना ही आए भाई, फ्लाइट ले। एज आई नो कि फ्लाइट तो गड़बड़ होते ही है यहाँ के, मतलब डब्बा फ्लाइट, बट फिर भी ठीक है। ये कुछ महीने में आई थिंक 6 महीने के बाद बन जाना चाहिए, क्यों सत्यम? 6 से 8 महीने लगभग मैक्सिमम साल भर, 1 साल के अंदर तैयार हो जाएगा। लेकिन हाँ आज काम तो तेजी से चल रहा है। सरकार को मैंने जो पैसा दिया था उसका क्या होगा भाई? वो पैसा अयाशी में उड़ गया ना। ये मैंने जो तुमको दिया था वो भी नेपाल सरकार को ही दे दियो क्या भाई? हाँ अगली बार चुनाव लड़ेंगे, अगली बार सरकार मजबूत बनाएंगे, रोड मजबूत बनाएंगे। हाँ कृपया वोट करें आने वाले समय में हमारे लिए। शाबाश बेटा, बहुत ये कुछ गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा था। तो फेकू चंद का आप देख ही लिए, आप पिछले व्लॉग में देखे होंगे कि स्माइलिंग बाबा के छोटे भाई थे। स्माइलिंग बाबा आज नहीं है, स्माइलिंग बाबा है नहीं आज, वो छोटा भाई है मेरा। वो अच्छा वो छोटा भाई है इनका, बाबा महादेव। ये बड़े वाले बकचोद हैं। जितने बड़े आप समझ सकते हैं। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माय साइड। और गाड़ी चलाओ है मत करो बे, गड़बड़ा जाएगा। कुछ नहीं गड़बड़ाएगा, आगे गड़ाहा है बे। गड़ाहा नहीं देख रहे हो क्या जी? अरे तो जानते नहीं हो ना मुर्गा बिरयानी वाला, ये तो अपने कुरना नाला लग रहा है। नहीं कौवा बिरयानी 5 रुपए रन मूवी वाला, गंगा में छोटी नाला बना के चुका दिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अभी हम लोग जा रहे थे तो शान दिखाया एक चीज हमें, चाचा अपने हार्ले डेविडसन से चलते हुए। अबे साले 12 seconds later। आराम से, रोड लेकिन बहुत खराब है भाई साहब। रोड क्या है? बहुत ज्यादा खराब है भाई साहब। मजे लो रोड के, नेपाल आए हो, नेपाल में मजे नहीं लो रोड के। तुम्हारी यूपी में तो ये मजा मिलेगा नहीं बाबा के आने के बाद, हमारे महाराज जी योगी आदित्यनाथ। हाँ यार बाबा के आने के बाद इस रोड का मजा खत्म हो गया भाई, यहाँ भी ओयो मिल रहा है। हमारी बैंक लिमिटेड भी है ओयो ओयो। अब यहाँ से हम लोगों को कितना है? हितौड़ा जनकपुर काकड़ भीटा। Much later. Guys, ये रोड पूरा काट के बनाया जा रहा है, ये नया, ये किसी के भी चैनल पे दिखेगा नहीं आपको, ये मेरे चैनल पे आपको देख सकते हो। ये रोड का निर्माण हो रहा है और रोड भी एकदम कंजड़ खराब। गड़िया प्रशांत बाबू की इतना कंजड़ बा की गड़िया इतना गड़गड़ा दिया कि हवो ना लगता, करवा में चोई चोई होके लगा रे बाबा, करवा में चोई चोई। क्रेटा के कहत और कमांडर बन गेल बा, कमांडर नहीं खाला ये जीप हो गई है, हवा टाइट हो गया। ये गाइस प्रॉपर चढ़ाई है, ये रोड चढ़ा होगा अच्छे से। सत्यम अच्छा देखी तो नहीं है नहीं यार, देखो वो अच्छे के लिए। अरे यार एक मिनट इधर देखे, अरे सर चश्मा है। देखिए सर गाड़ी में कोई चश्मा नहीं लगाया है आपको, जो है अगर आपको अच्छा बोल रहा हूँ खासकर मेरी तरह प्योर मौजूदी, उसके लिए आपको अंदर से हरामीपन आना चाहिए। अच्छा अच्छा सामने वाले की जल जाए। अच्छा 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 तो आप हाउसफुल के अक्षय कुमार क्या? एकदम प्योर बोलिए, लेकिन अगर कोई पूरा ज्ञान दे रहा हो तो लास्ट में कितना हो बढ़िया ज्ञान दे, बस एक बार धीरे से। अच्छा वही चीज बोल के अपना ज्ञान वहां ले लेना चाहिए।